श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के 19 अवतार हैं पर उनमें से एक की पूजा नहीं होती है। एक अवतार की, किस अवतार की पूजा नहीं होती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में कई ग्रंथ हैं जो हमें अपने धर्म के बहुत से रहस्यों के बारे में परिचित करवाते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का बहुत ही महत्व है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिव ने 19 अवतार लिए हैं जिनमें से 18 की पूजा होती है। कहा जाता है कि शिव भगवान के एक रूप की पूजा नहीं होती है। आखिर वो कौन सा रूप है यह आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, कौरव और पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को ही भगवान के शिव का 19वां अवतार माना गया है। द्रोणाचार्य द्वारा शिव के कठोर तप के पश्चात उन्हें अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। भगवान शिव, जिन्हें काल और रुद्र भी कहा जाता है, के अवतार के रूप में जन्म लेने की वजह से अश्वत्थामा एक महान, ताकतवर और अत्यधिक क्रोधी योद्धा था। आगे चलकर अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के महत्वपूर्ण किरदार बने जिन्होंने कौरवों की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के दौरान अर्जुन ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को फेरना अच्छी तरीके से जानते थे, आखिरी जी को बात है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए संभव नहीं था। उन्होंने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चला दिया था। ब्रह्मास्त्र की वजह से बच्चे के गर्भ में एक्चुअली मृत्यु हो गई थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने चला दिया था। इस अपराध के श्राप में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि सृष्टि के अंत तक इस धरती पर अकेला भटकता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है और उस अवतार की पूजा नहीं की जाती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।